हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी एक और स्पेशल वीडियो में। आप सभी से इस तरीके से बहुत दिनों बाद बात हो रही है और आज की वीडियो बाकी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है लाइफ की हरी वॉरियन सॉरी को कैसे सॉल्व किया जाए। बिकॉज अगर हम किसी के जीवन को तीन पार्ट में अगर डिवाइड कर ले तो हम देखेंगे कि यूथ एज में बहुत ज़्यादा हरी रहता है, मिडल एज में बहुत ज़्यादा वरी रहता है और ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा सॉरी रहता है। कैसे यूथ एज में वरी रहता है, सॉरी हरी रहता है? बिकॉज यूथ एज में अगर हम देखेंगे तो व्यक्ति बहुत हड़बड़ी में रहता है, उसको बहुत हरी रहती है हर चीज़ की। मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी अचीव करना है, बहुत एम्बिशियस होता है कि मुझे ये करना है, मुझे दुनिया को मुट्ठी में करना है, मेरे बहुत सारे सपने हैं, उन सब सपनों को अचीव करना। तो इस तरीके से व्यक्ति अगर हम देखें यूथ एज में बहुत ज़्यादा हरी रहती है, बहुत ज़्यादा फास्ट चलती है, पर जैसे ही वो इंटर करता है मिडल एज में तो हम देखेंगे कि अब हरी कहते हैं कन्वर्ट हो जाता है वरी में। उसको चिंताएं रहती हैं कि यार इतना कुछ मैंने कर रखा है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई देन क्या होगा, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, जॉब छूट गई तो क्या होगा, मुझे इसको भी मैनेज करना है, लोन भी है मेरे पास, ये भी है वो भी है, इंस्टॉलमेंट चल रही है उसको भी चुकाना है, इफ़ कुछ बुरा हो गया देन क्या कैसे मैनेज करूँगा, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मिडिल एज तक आते आते व्यक्ति के जीवन में वरी बहुत सारी रहती है, उसकी लाइफ में चिंताएं बहुत आने लगती है। और जैसे ही वो रिटायरमेंट की ओर आता है यानी ओल्ड एज की ओर आता है तो उसका वरी कन्वर्ट हो जाता है सॉरी में। अब देखो ना, सॉरी उसको कैसा रहता है, उसको दुख रहता है एक्चुअली कि मैं जवानी में अगर ये चीज़ सीख लेता या ये कर लेता तो आज शायद बुढ़ापा आराम से जी पाता, मैंने ये गलती करी जिस वजह से सारे परिवार भुगत रहा है, मैंने ये गलती करी अगर नहीं करता तो आज हम शायद कोई अच्छी जगह रहते, मुझसे ये हो गया, उसे गिल्ट रहता है, उसे पछतावा बहुत रहता है और खाली बैठे बैठे ये सब चीज़ों पे वो ध्यान लगाता रहता है और फ्रस्ट्रेटेड होता रहता है। तो यूथ में हरी, मिडिल एज में वरी और ओल्ड एज में सॉरी, इस तरीके से व्यक्ति अपना जीवन बिताता है। शुरुआत तो एक्साइटमेंट से रहती है और ट्रैजिक एंड हो जाता है, खुशी और बहुत सारे सपनों को लेके ज़िंदगी जीना स्टार्ट करता है और अंत तक आते आते कोई सपने नहीं रहते और सिर्फ अपनी मौत के इंतजार में खुद को समाप्त कर लेता है। तो इस तरीके से देखेंगे कि वरी सॉरी एंड हरी में जीवन ख़त्म हो जाता है, कुछ खास है नहीं। और अगर देखोगे इसलिए कई लोग व्यक्ति अक्सर ये बोलते हैं कि मुझे लाइफ समझ में नहीं आती एग्जैक्टली है क्या, जिंदगी खाना पीना सोना रहना ही है क्या, या इसमें कुछ और भी है, या इसी तरीके से काटना है क्या कि जैसे सब काट रहे हैं भेड़ चाल में। तो भगवान कृष्णा ने इस भेड़ चाल से निकलने का या एक हमको अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल देने का प्रॉमिस किया हुआ है या सल्यूशन दिया हुआ है। सल्यूशन दिया है भगवद्गीता के 58 वर्स में, उसमें भगवान कहते हैं कि अगर आप मुझ में कॉन्शियस हो जाते हो देन आई विल मेक श्योर कि आपके सारे ऑब्स्टिकल्स को मैं हटा दूं, मतलब आपके जो ऑब्स्टिकल्स हैं उसको भगवान रिमूव करते हैं। भगवद गीता का 18वां चैप्टर और 58 वर्ड्स। हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में और हम देखते हैं कि विद टाइम चीज़ें दिक्कतें बढ़ती हैं, सफरिंग बढ़ती है, एज के साथ साथ चैलेंजेस बढ़ते हैं और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको मैनेज कर पाना, जिस वजह से सफरिंग चिंताएँ और ज़्यादा बढ़ती रहती है। तो ऐसी चिंता ऐसी लाइफस्टाइल का जो अल्टरनेटिव है वो भगवान कृष्णा हमें देते हैं, जो हमको हेल्प करता है इस चैलेंजेस से बाहर निकलने में। भगवान कहते हैं अगर आप मुझ में सरेंडर होते हो देन आई विल मेक श्योर कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता रहूँ, आपके जो चैलेंजेस हैं उसमें मैं गाइड करता रहूँ। कैसे, जैसे कि जो हमारी हरी है, जो हमारा पहले चैलेंज है कि हम भाग रहे हैं सब, पर पर्पस नहीं पता क्यों भाग रहे हैं, क्या करने भाग रहे हैं। आप किसी मेट्रो सिटीज़ में जाइए, शहरों में जाइए, आपको दिखेगा कि यार लोगों को पर्पस नहीं पता जीवन का या उसे करना क्या, ये अभी क्लैरिटी नहीं है, बट फिर भी वो भाग रहा है कि एटलीस्ट जब तक क्लैरिटी नहीं हो जाती तब तक ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, और एट द एंड बेचारा फ्रस्ट्रेटेड रहता है कि इतना कुछ कर लिया पर मुझे समझ नहीं आ रहा करना क्या, यानी उसको क्लैरिटी नहीं है पर्पस की, क्लैरिटी नहीं है प्रायोरिटीज़ की। तो भगवान कृष्णा बताते हैं कि मुझ में कॉन्शियस हो जाओ, मुझको अपना लाइफ का सेंटर बनाओ। तो जैस मूवमेंट हम भगवान को अपने जीवन का सेंटर बना लेते हैं और उनको अपना पर्पस बना लेते हैं तो हम कुछ भी करते हैं तो हमें ये क्लैरिटी मिल जाती है कि मुझे इनको ध्यान में रखते हुए अपनी चीज़ें करनी है। तो जिस वजह से उसको क्लैरिटी हो जाती है जीवन की, पर्पस की,
और साथ ही साथ उसको ये भी क्लैरिटी हो जाती है कि मेरे मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है, मुझे फर्स्ट लेवल पे मुझे क्या प्रायोरिटी है, प्राथमिकता मैं किसको देता हूँ, और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बाकी चीज़ें करता है, तो जिस वजह से वो बहुत हड़बड़ी में नहीं रहता, बिकॉज चीज़ें क्लियर हैं। वरी कैसे ख़त्म हो जाता है, जैसे हम भगवान को जीवन में लाते हैं, बिकॉज सबसे बड़ा वरी का कारण, चिंताओं का कारण ये होता है कि वी थिंक कि मैं कंट्रोलर हूँ, मैं कर रहा हूँ जो हो जाएगा, मैं चाहूँगा तो चीज़ें ऐसी हो जाएगी, मैं करूँगा मेहनत इतना करूँगा तो चीज़ें ऐसी हो जाएगी। ऑफकोर्स मेहनत करना चाहिए हमें, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें यह भी पता होना चाहिए कि मेहनत तो गधा भी करता है, मेहनत तो हर कोई कर रहा है, पर ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम चाहें वैसा ही हो। सो इसलिए हमें खुद को कंट्रोलर नहीं समझना चाहिए, हमको खुद को कंट्रोल्ड समझना चाहिए। किसके द्वारा कंट्रोल है हम? भगवान के द्वारा कंट्रोल है, तो भगवान को अल्टीमेट कंट्रोलर समझना चाहिए हमको, कि हाँ वो सब कुछ कर रहे हैं और वो चाहेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो हमें भगवान से विनती करनी चाहिए, भगवान के शास्त्रों के माध्यम से गाइडेंस लेनी चाहिए, ताकि जीवन के उतार चढ़ाव में हम आगे बढ़े और भगवान हमारा मार्गदर्शन करें कि किस तरीके से हमें चैलेंजेस को फेस करना है। तो वरी ख़त्म हो जाता है जब हमें पता चल जाता है कि भगवान हमारा हमको गाइड कर रहे हैं। और सॉरी कैसे ख़त्म हो जाता है? सॉरी रहता है बिकॉज उसे लगता है कि मैंने बहुत सारी मटेरियल अपॉर्चुनिटीज़ करी, मैं शायद वैसा नहीं कर पाया जैसा मैं कर सकता था, या उसे लगता था इतनी चीज़ें मैंने अचीव तो करी पर सब ख़त्म हो गया अभी इस समय के साथ, कुछ मैं अपने साथ रख नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया, कुछ परमानेंट बिल्ड नहीं कर पाया, इस तरीके से उसे चिंताएँ रहती हैं। पर जिस समय उसे ये क्लैरिटी हो जाती है कि मटेरियल ऑपुलेंस या मटेरियल सक्सेस वो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, जो परमानेंट है वो है स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर वो स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ लेता है, पिक कर लेता है, तो विद टाइम उसकी और अच्छे से उसमें समय देता है, तो उसे अंत में ये गिल्ट नहीं रहता कि उसने जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाया, किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं किया, बिकॉज उसे पता चल जाता है कि दिस इज़ ये वो चीज़ है जो हायर पर्पस है, ये वो चीज़ है जिसमें रियल हैप्पीनेस है, यही आपको जीवन का वास्तविक पर्पस, लाइफ की रियल अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तो जिस वजह से उसको अंत में सॉरी फील नहीं होता कि यस वो कुछ खास अचीव नहीं कर पाया, उसे इवन प्राउड होता है कि यस मैंने कुछ ऐसा अचीव किया है जिसको मैं जीवन के साथ और जीवन के बाद भी ले जा सकता हूँ। दैट इज स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल विजडम, स्पिरिचुअल सक्सेस, जो कि परमानेंट है। तो भगवान कृष्णा कहते हैं कि आपकी सॉरी वरी हरी ख़त्म हो जाएगी अगर आप मुझ में कॉन्शियस हो जाओ। तो भगवान में अगर हम कॉन्शियस हो जाते हैं, देन हमारी सारी वरीज़ को वो हटा के, सारे ऑब्स्टिकल्स लाइफ के हटा के हमें एक हैप्पी लाइफ देते हैं, इसलिए स्पिरिचुअली सबसे ज़्यादा खुश माने जाते हैं। तो आज की वीडियो में यही समाप्त करूँगा। वीडियो में बताने का पर्पस आपको यही था कि हम सब अभी यूथ एज में हैं, मिडिल एज में हैं, एंड कुछ हो सकते हैं जो हमारे व्यूअर्स हो वो अभी ओल्ड एज में भी हो। सो देर इज़ नेवर टू लेट, भगवान को एक्सेप्ट करने के लिए कभी देरी नहीं होती। हम जहाँ हैं वहीं से शुरुआत करें, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को स्टार्ट करें, लाइफ के हड़बड़ियों को, चिंताओं को, दुख को समाप्त करें और भगवान की ओर आए और रियल हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करें। सो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और अगर आप भी इसी तरीके के टी शर्ट्स लेना चाहते हैं, मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप भी जाइए इसी तरीके इंटरेस्टिंग वैदिक टी शर्ट्स पहनिए और अच्छे से गर्व से कहिए हम सनातनी हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।